नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। हम लोग थ्रॉन्टन टैप के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। पहले पोजीशन देखते हैं, गेम में आई हुई पोजीशन है और इसमें इस तरह से गेम हुआ है। रूक टू बी सिक्स है, ब्लू एरो है, वहाँ बी सिक्स खेला इसने और इसके नज़र जो है वो बी टू के ऊपर है, जो पॉइजन पॉन रहते हैं। पॉन मारने को लोग जाते हैं और फिर अटक जाते हैं। तो मतलब ठीक है, क्योंकि ब्लैक को ये लगता है कि अगर सफेद रूप नाइट पे है, यहाँ पे आता है डी वन के ऊपर, तो ये नाइट को बड़ी थ्रेट है, इसलिए वो बिशप को थ्रेट देता है। तो रूक टू बी सिक्स खेला, बिशप ए फोर, रूक क्रॉस बी टू, और ये बहुत गलत चाल है। बी टू पॉइजन पॉन को खाने के लिए इसने रूक क्रॉस बी टू किया। इसने फिर किया बिशप क्रॉस डी सेवन, किंग क्रॉस डी सेवन। अभी आपको कुछ दिखाई देता है क्या कि कोई अच्छी चाल, कोई ये देखना जरा। इग्नोर हो जाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे सफेद खिलाड़ी कैसल कर देता है, तो चेक है राजा को अभी, और राजा का चेक निकालने गए तो ये रूक मारा गया और किंग क्रॉस बी टू। तो इस तरह से थ्रॉन्टन ट्रैप रहता है कि वो क्वीन साइड को कैसल करता है कोई भी खिलाड़ी, और उसके रूक से अपोनेंट के किंग को चेक लगता है, और इसने रूक अपना रूक ऐसे रखा हुआ रहता है कि वो राजा से मारा जाता है। तो इसमें एक दो गेम हम लोग देखते हैं। ये गेम ये पावर वर्सेस ओ के लिए बड़े पॉपुलर ये ग्रैंड मास्टर है। ई फोर ई फाइव रॉयल ओपेस ओपनिंग में हो गया, नाइट एफ थ्री, नाइट सी सिक्स, बिशप बी फाइव, ए सिक्स, बिशप ए फोर, डी सिक्स, स्टैंडर्ड मूव है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। बिशप क्रॉस सी सिक्स, बी क्रॉस सी सिक्स, डी फोर, और यहाँ ब्लैक ने ये जो ब्लू दिखा है वो एफ सिक्स खेला, और जब कंप्यूटर से एनालाइज किया तो दिखा दे कि अच्छी मूव ये होती है, रेड जो दिखाई है, पॉन ई क्रॉस डी फोर अगर करता तो अच्छी रहती। हाँ, वो एनालाइज करने को जाओ तो बहुत उसकी मूव्स रहेगी। तो एफ सिक्स खेला, नाइट सी थ्री खेला, रुक बी एट, क्वीन डी थ्री, नाइट ई सेवन, एच फोर, एच फाइव, बिशप ई थ्री, रुक क्रॉस बी टू। अभी ये जो गलत मूव करते हैं, हाँ ये अच्छा था कि रुक इसने फाइल पे बी फाइल पे रखा था, लेकिन ये जो पॉइजन पॉन है वे मारने से बहुत सावध रहना चाहिए। तो इसने डी क्रॉस ई फाइव किया, फिर डी क्रॉस ई फाइव। हाँ, अभी ये फाइल ओपन भी हो गया और क्वीन को थ्रेट भी हो गई, तो ब्लैक ने वो थ्रेट निर्माण करी है, इसलिए कि ब्लैक के पास पॉन ज़्यादा है, तो ब्लैक सोचता है कि चलो क्वीन एक्सचेंज भी हो जाए तो कुछ ये नहीं। हाँ, इससे अच्छा मूव इसको था नाइट टू जी सिक्स, ये जो है इसने ये क्रॉस करके ठीक है ओपन कर दिया, उसका पर्पज था कि वो बोलता है क्वीन एक्सचेंज करने दो, लेकिन नाइट टू जी सिक्स खेलता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पॉन को भी थ्रेट रहती है और ये पॉन से ऐसी कुछ थ्रेट नहीं थी उसको। तो डी क्रॉस ई फाइव किया, क्वीन क्रॉस डी एट चेक, किंग क्रॉस डी एट,
और अभी आप देखिए सफेद के लिए, सफेद की मूव है, अच्छी मूव दिखती है क्या आपको कोई? कृपया वीडियो होल्ड करके देखना। हाँ, क्योंकि ये अभी थ्रॉन्टन ट्रैप में आ गया है, कैसल कर देता है सफेद। कैसल करने से रूक को चेक लग गया किंग को, और वो चेक निकालने जाओ तो ये ब्लैक रूक जो है B2 के ऊपर वो मारा जाएगा। तो बिशप D7 इसने लिया बीच में, किंग क्रॉस B2 किया, रूक चला गया। तो थ्रॉन्टन ट्रैप का और एक गेम देखते हैं। पहले किंग्स पॉन का था रॉयल ओपेज, अभी एक क्वींस पॉन का है। D4 D5 C4 C6 ये स्लाव डिफेंस है। नाइट C3 नाइट F6 नाइट F3 डी क्रॉस C4 E4 B5 E5 नाइट D5 A4 बिशप G4 H3 थ्रेटन किया बिशप को, बिशप क्रॉस F3 क्वीन क्रॉस F3 नाइट B4 क्वीन E4 क्वीन क्रॉस D4। यहाँ भी एक्सचेंज के लिए क्वीन ऑफर किया इसने, लेकिन इसने पहले क्या किया, थोड़ा होशियारी से काम लिया कि नाइट को एक क्वीन मार दी, ठीक है, क्वीन क्रॉस D4। अभी ब्लैक ने होशियारी से काम किया ना, नाइट टू C2 लेके चेक दिया। एक्चुअली क्वीन को उसको मारना ही है, तो इस तरह से कैसे वो मार रहे हैं, चेक देके राजा हिल भी जाएगा तो राजा की कैसलिंग पावर भी खत्म हो जाती है। मतलब अच्छी मूव है, किंग टू D1 नाइट क्रॉस D4 ए क्रॉस B5 नाइट क्रॉस B5 बिशप क्रॉस C4 नाइट क्रॉस C3 एंड चेक, फिर से चेक दिया, बिशप क्रॉस C3 E6 बिशप E3 A5 रुक B1, इसने रुक B1 खेला। एक्चुअली ठीक है, ओपन फाइल पे रुक लाना चाहिए, लेकिन ये फाइल भी ओपन है वाइट के लिए। ए फाइल जो है वो भी वाइट के लिए ओपन है। इसने बी फाइल पे लाया, और यहाँ से वो सेवंथ रैंक पे लाके अटैक करना चाहते हैं। सेवंथ रैंक पे जब रुक जाते हैं तो बहुत डेंजरस रहता है। इस केस में वो नहीं साबित हुआ, और कंप्यूटर से एनालाइज किया तो बिशप यहाँ पे इसने खेलना चाहिए था D4 के ऊपर। तो रुक B1 इसने खेला है, नाइट D7 और रुक टू B7 इसने लिया, मतलब सेवंथ रैंक पे लाके रखा उसने। क्योंकि एक इसलिए मैं बोला कि एक प्रिंसिपल रहता है कि सेवंथ रैंक पे रुक बहुत डेंजरस होता है। यार इसको दूसरी अच्छी मूव थी ये F4, ये करनी चाहिए थी। अभी तो रुक का यहाँ पे फायदा भी नहीं कुछ दिख रहा है। रुक B7 खेला, नाइट क्रॉस E5 और बिशप इसने E2 पे खेला, ये भी गलत मूव हो गई। अभी सोचिए आप, अभी ब्लैक के मूव है, आसान है सोचना, इसमें कुछ ये नहीं है। ब्लैक अभी क्या खेलेगा, वीडियो होल्ड करके सोचिए। तो ब्लैक यहाँ पे ऑब्वियसली लॉन्ग कैसल करता है क्वीन साइड को, और ये रूक से चेक लग गया, और वो चेक निकालने को जाता है तो ये सफेद वाला रुक जो है B7 के ऊपर वो मारा जाता है। इस तरह से वे ट्रैप हो गए। अभी यहाँ पे ये पोजीशन थी, अगर इसे समझ में आता है कि लॉन्ग कैसल करेगा, चेक लगेगा, रुक जाएगा, तो इसको क्या करना चाहिए था जरा सोचिए। रुक ऑब्वियसली रुक को वापस ला सकता था वो कहीं पे भी, लेकिन कंप्यूटर ने सजेस्ट किया है, देखिए
अब इसमें मैं आगे की नहीं ज्यादा सोच रहा हूँ। लाल कलर का जो है कि बिशप टू A6, ये कंप्यूटर ने सजेस्ट किया है। अभी यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो ये इमीडिएटली बिशप मारा जाता है, यहाँ पे रुक नीचे जाके चेक लगता है। आगे का मैंने एनालाइज नहीं किया, लेकिन ये सजेस्ट किया कंप्यूटर ने कि ये करनी चाहिए, या तो मैं बोलता रुक को वापस लेना चाहिए था। तो इस तरह से ये ट्रैप रहता है। देखने के लिए धन्यवाद, और भी बहुत वीडियो करने हैं तो कृपया देखते रहना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करना।